विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर पीसी सचिव कमलनाथ सोशल इंजीनियरिंग में लगे हैं। वे अलग अलग समाजों से चर्चा करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ ने कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोगों से चर्चा की। इसके लिए विशाल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कमलनाथ ने कई वादे किए। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। पीसी सचिव कमलनाथ की सोशल इंजीनियरिंग, कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोगों से की चर्चा। कमलनाथ ने कुर्मी समाज के लिए किए कई वादे। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर दी सफाई। कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि आज समाज में जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जातिगत जनगणना आज देश की आवश्यकता बन चुकी है। भाजपा राज में पिछड़ा वर्ग का गरीब व्यक्ति 55% आबादी होने के बावजूद भी 27% आरक्षण के लिए तरस रहा है, जिसके लिए उन्होंने काफी कदम उठाए थे। ये भी आपको सोचना है, ये सम्मेलन में आप आए, आपकी मांगों की चर्चा होगी और साथ साथ आपको आसपास भी देखना है कि क्या हो रहा है। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की, आज का नौजवान का भविष्य कैसे सुरक्षित है। कोई पूजा पाठ करने से नहीं होने वाला, ये तो तब होगा जब निवेश आएगा, जब निवेश अपने प्रदेश में आएगा। निवेश तो तब आता है जो प्रदेश पर विश्वास करता है, जिसको सामान, अपना सामान केरल और तमिलनाडु में बेचना है वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है, क्योंकि प्रदेश पर विश्वास नहीं करता। आज हमारे जो सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों का अपना देश है, हमारे आध्यात्मिक शक्ति का देश है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति हो। हम मिलिट्री शक्ति नहीं है, हम आर्थिक शक्ति नहीं है, पर हम आध्यात्मिक शक्ति तो है। आज ये हमारा देश है और आप सबको इन सब बातों के बारे में भी सोचना है। आपको बता दें, प्रदेश में ओबीसी वर्ग कुर्मी समाज की बड़ी जनसंख्या निवास कर, जबकि देश में यह एक बड़ा तबका है, जिसके चलते कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर समाज के भवन निर्माण के लिए जमीन देने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IIMP न्यूज, भोपाल।